Hello children, good morning to all of you. Now today we will discuss the volume, mass and density in your science book. In the previous video lecture we have discussed about solutions, okay? Miscible and immiscible liquids we have discussed, and today we will discuss about volume, mass and density. The volume of an object is the total space that it occupies. मतलब किसी ऑब्जेक्ट का टोटल स्पेस जो होता है उसी को हम वॉल्यूम कहते हैं. द क्वांटिटी ऑफ द मैटर दैट मेक्स अप अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास. द क्वांटिटी ऑफ मैटर दैट मेक्स अप इट्स बॉडी, मेक्स अप अ बॉडी इट्स कॉल्ड मास. वॉल्यूम एंड मास डू नॉट डिपेंड्स ऑन ईच अदर. जो वॉल्यूम है और मास दो आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं. ए गैस फिल्ड बलून मेक अ बिग वॉल्यूम देन अ स्मॉल आयरन बॉल. ठीक है, एक अगर गैस भरा हुआ बलून में जो वॉल्यूम हो और उसी की वॉल्यूम है और एक स्मॉल आयरन बॉल है, दोनों के वॉल्यूम और मास डिफरेंट हो सकते हैं. बट दिस स्मॉल आयरन बॉल विल हैव मोर मास देन बलून. जो स्मॉल आयरन बॉल है उसकी मास ज़्यादा हो सकती है एयर बलून की अपेक्षा. मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड डेंसिटी. डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. द यूनिट ऑफ डेंसिटी इज ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर. यूनिटी डेंसिटी का यूनिटी क्या है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज मोर दैन दैट वाटर. This is because the molecules of mercury are closely packed than those of water in some volume. Next is flotation. Take a big trough of water, drop a nail and pebble or iron ball or a plastic cup and a piece of wood into it. The piece of wood, plastic or an iron bowl float in water while the pebble and iron nail sinks. मतलब एक पानी में अगर हम नेल डालें, पेबल डालें, आयरन बाउल डालें और प्लास्टिक के कप डालें और एक पीस लकड़ी का पीस को अगर हम डालते हैं तो उसमें से हम देखते हैं कि पीस ऑफ वुड, प्लास्टिक कप एंड आयरन बाउल नदी पानी के ऊपर तैरेगा, लेकिन जो पेबल है और आयरन नेल है वो पानी में डूबा रहेगा. We will feel an upward thrust if we try to push the piece of wood into the water. The floating and sinking of any object depends on two factors. The buoyant force of a liquid, the density of object. Density of wood, plastic and iron ball is less than the water. जो density है वो plastic cup की, iron ball की, wood की पानी से कम है. So they float on water. Density of iron nail and pebble is more than water, so they sink. जो density है iron nail की, pebble की, ये ज़्यादा है इसीलिए ये पानी में डूब जाती हैं. Both the bowl and nail are made up of iron. दोनों bowl भी है iron का, nail भी है iron का, keel भी है iron का. लेकिन bowl is hollow and hollowness has increased its volume. बाउल जो है वो खोखला है बीच से, इसलिए उसकी वॉल्यूम को बढ़ा दिया. एंड इट्स ओवरऑल डेंसिटी इज लेस देन वाटर सो इट फ्लोट्स. और उसकी जो ओवरऑल डेंसिटी है वो कम है सो वो तैरती है. इन द सेम वे अ स्टील शिप फ्लोट्स ऑन वाटर. उसी तरह एक स्टील का जो शिप है वो पानी में तैरेगा. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन वाटर इट डिस्प्लेस सम वाटर. If the weight of an object is more than the weight of displaced water, it sinks. मतलब जब weight किसी object का ज़्यादा है तो क्या होगा? If the weight of the object is more than the weight of displaced water, it sinks. इसका मतलब जब किसी object का weight ज़्यादा होगा तो displaced water में जब हम करेंगे तो वो सिंक हो जाएगा. इफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस वाटर इट फ्लोट्स. और जब दोनों का इक्वल बराबर होगा तो वो वेट इक्वल होगा तो वो फ्लोट करेगा. बट रिमेन कम्प्लीटली इमर्स इन वाटर और कम्प्लीटली पानी में इमर्स रहेगा.
If the weight of an object is less than the weight of displaced water, it floats on the surface. अगर उसमें वेट जो है ऑब्जेक्ट का लेस रहेगा देन जो पानी उसमें है डिस्प्लेस वाटर है तो उसमें में वो चीज़ें तैरेगी. अगर उसका वेट कम रहेगा, अगर वेट ज़्यादा रहेगा तो वो पानी में सिंक हो जाएगा. आर्किमिडीज प्रिंसिपल, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स इन वाटर द बायोगन फोर्स ऑफ द वाटर एक्ट अपॉन इट इन अपियर्स एज इफ द ऑब्जेक्ट हैज़ लॉस्ट इट्स वेट एंड हैज़ बिकम लाइटर. The weight of an object in water, is called apparent weight, and the difference of the weight of an object is real weight, and its weight in water is apparent weight is called apparent weight loss. When an object immerses in water, the buoyant force of water acts upon it. जब कोई object पानी में गिराया जाता है तो force जो है वो उस पानी का वो act करना शुरू करता है. It appear as if the object has lost its weight and become lighter. और वो light हो जाता है. अगर उसके पास कोई weight नहीं है तो वो light हो जाता है. And the weight of an object in water is called apparent weight. और उस weight पानी के weight को क्या बोलते हैं? Apparent weight. The difference in the weight of an object is real in air in and its weight is called apparent weight. और उसी weight को क्या कहते हैं? Apparent weight. Okay. Apparent loss of water equals to real weight minus apparent weight. अगर apparent loss of weight निकालना है तो real weight को और minus apparent weight करेंगे तो apparent weight loss निकल आएगा. Archimedes principle state that when an object is partially or wholly immersed in water, it experiences an apparent loss in its weight. जब principle क्या कहते हैं? अगर कोई object थोड़ा या पूरा पानी में डूबा हुआ है तो जो उसका अपेरेंट लॉस होता है वेट का, वेट लॉस रहता है. द अपेरेंट लॉस इन वेट इज इक्वल टू द लॉस ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट. एनी सब्सटेंस दैट ऑक्यूपाइज स्पेस हैज वेट इज कॉल्ड मैटर. ऑल मैटर इज कॉल्ड इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स कैन बी फर्दर ब्रोकन डाउन इंटू स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड एटम. एंड वेन एटम ऑफ द सेम काइंड कम्बाइंस टूगेदर दे फॉर्म एन एलिमेंट. When two or more different atoms combine together, they form a compound. Solid, liquid, and gas are the three states of matter. A physical change is reversible when chemical change is irreversible. The volume of an object is the total space then it's occupy. Mass per unit volume of the body is called density. So, students, your chapter 4 is over now. Very soon we will discuss the question answer and watch the video carefully.